नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नेशन और हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से राजा राम मील जी जो है राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष, जो कि लगातार यहाँ पर शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किस तरीके से किसानों के समर्थन में लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार वार्ताएं हो रही है, लगातार वार्ताएं विफल हो रही है, किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है। जिस तरीके से कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जाती है उस तरीके से तारीख दी जा रही है। राजा राम जी, क्या लगता है यहाँ पे ये कोर्ट चला दी गया सरकार ने कि तारीख पे तारीख दी जा रही है और आप उसमें शामिल हो रहे हैं? सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। अब तक तो सरकार को शुरुआत तो सरकार ने ये सोचा कि ये कुछ नहीं है, छोटा मोटा आंदोलन, एक पंजाब का एम सलटा देंगे, फिर बोला हरियाणा का सलटा देंगे, फिर बोला यूपी थोड़ी सी है सलटा देंगे, फिर बोला राजस्थान है थोड़ा सा सलटा देंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसान यहाँ आ गए हैं, कल महाराष्ट्र के बहुत आए थे, गुजरात के आए थे, MP, UP, तमिलनाडु, ये पश्चिम बंगाल, केरल, कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि जहाँ से किसान यहाँ नहीं आए हो। सब किसान यहाँ आए हुए हैं, यहाँ धरने पे बैठे हैं और धरने में छोटे से हैं क्या, वो कौन सी बॉर्डर, वो वाली सिंगू बॉर्डर पे तो 30 किलोमीटर में वहाँ तो पक्के मकान बना लिए हैं, पक्की चुनवाई करके मकान बना के टीने लगा ली भाई रोड के अंदर। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है कि टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर के? हम थोड़े दूर हैं, हम दिल्ली के नज़दीक जाएंगे। कब जाएंगे ये? 26 जनवरी से पहले जाएंगे, हमारा प्लान जारी है। अब कल आज हमारी मीटिंग है, इसमें के आगे हमें क्या करना है, कब यहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, कब जाना है, कब इनका बॉर्डर तोड़ना है कि ये खोल देंगे कि जाने देंगे। हमारे पास अभी ट्रालियाँ आ रही है, हमारे पास ट्रालियाँ कम थी, अब हमारे पास 70-80 ट्रालियाँ आ गई है, 400-450 ट्राली और आ जाएगी तो फिर हम भी यहाँ से कभी भी रवानगी कर सकते हैं। बाकी 26 तो लास्ट है, 26 का झंडा फहराना है वहाँ। तो लगातार आपके मांगे नहीं मान रहे हैं, 15 तारीख को फिर 15 तारीख दे दी, क्या लगता है? और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि यदि आपको गलत कानून लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इस सरकार को कानून ये कितनी तारीखें दे दे, ये 3 कानून इनको वापिस लेने पड़ेंगे। ये जो जिस तरीके से किसानों के लिए ऐसे गलत कानून जो बनाए वो वापिस लेने पड़ेंगे, MSP कानून में लाना पड़ेगा। ये जल्दी करेंगे तो सुख पाएंगे, नहीं तो वही बात आ जाएगी, ये प्याज भी खाएंगे जूते भी खाएंगे। करना है, करना पड़ेगा, 26 की नहीं तो 26 की परेड दिल्ली के अंदर किसान करेंगे। जब करोड़ों किसान दिल्ली में घुसेंगे तो परेड किसान ही करेंगे, दूसरे के हाथ में कुछ नहीं होगा, सरकार देखती रह जाएगी। ये किसानों का उग्रता देखी नहीं है उन्होंने, आज तक सोचा नहीं है, वो किसानों के बीच के आदमी नहीं है। आज सरकार तो चला रहे हैं वो किसानों के बीच के नहीं है, किसानों की जानकारी कम है, कम पहचानते हैं वो किसानों को। अब वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ तो सभी 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे उन्होंने बात की और वो कह रहे हैं किसान तो हमारे साथ हैं, ये जो बैठे हैं वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे नाम लो उसी के आदमी यहाँ मिल जाएंगे आपको, हमारे आंदोलन के अंदर बैठे हुए वो फर्जी किसान बना के लाते हैं। परसों ये हरियाणा में बाबा जो जिस तारीख को मेरठ से जिस तारीख को वो किसानों को लेके आए और उनसे मिलने के बाद में उन्होंने उसी तारीख में रजिस्ट्रेशन करवाया, किसान वो किसान है क्या? किसान संगठन का रजिस्ट्रेशन उसी दिन कराते हैं जो मंत्री से मिलते हैं, तो ये सब फर्जी किसान बना के लाते हैं। वो मंदिर का आदमी था, मंदिर में उसका एड्रेस था, मंदिर से उनका ट्यूटर था, ये सारी बातें सामने आई थी, तो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। किसान और समझ गए, खाली किसान नहीं है, किसानों के साथ गरीब तबका सारा है, मजदूर है, मीडियम बिजनेसमैन है, ये अडानी अमानी छोड़ दो ऊपर के, बाकी सब लोग हमारे साथ हैं, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बैक नहीं होगा, बैक इनको ही होना पड़ेगा सरकार को। अंबानी ने तो कहा है कि हमारे का तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि मिलों से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने तो हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी। नहीं नहीं, ये सब उनसे मिले हुए हैं, वो सब गुमराह कर रहे हैं कि किसान कैसे इनके चक्कर में आ जाए, बाकी सब एक ही हैं वो सारे के सारे। ये हरियाणा और पंजाब के अंदर गोडाउन बना लिए उन्होंने, किलो किलोमीटर लंबे हैं, किस किस लिए बनाए हैं वो, क्या भरेंगे उसमें? तो एक ही मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, काले कानून वापस होंगे, MSP में कानून में दी जाएगी, ये 2 मांग पूरी होने के बाद ही किसानों के प्रदर्शन हट सकता है। अदरवाइज यहाँ से दिल्ली जाने का प्लान है, प्लानिंग आज से हमारी चालू हो गई, आज मीटिंग है वहाँ टीकरी बॉर्डर, आज यहाँ भी है, तो वहाँ से अब ये तय हो गया
कि केस दाना, हमारे किसान दिल्ली में पहुंच चुके ऑलरेडी। लेकिन सरकार ने तो साफ कर दिया ना, कानून वापस नहीं होंगे, आप जिद पे अड़े हो कि कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। नहीं, किसान कानून किस लिए बनाते हैं? किसानों के लिए। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तो वापस क्यों नहीं होंगे? क्यों हमारे पे थोपना जरूरी है क्या? क्यों थोप रहे हैं भाई? क्या लेने देना उनका? किसान वापस हटने वाला नहीं है, उनको ही हटना पड़ेगा और ये मांग उनको माननी पड़ेगी। कब तक भटकेंगे ये हम देख रहे हैं। बाकी 26 का हमारे किसान दिल्ली जाने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। कैसे ही पहुंचे, किसी तरीके से पहुंचे। दिल्ली पहुंचना हमारा ध्येय है। दिल्ली जा करके 26 को झंडा फहराना है किसानों को। तिरंगा झंडा फहराएंगे, लाल किले पर फहराएंगे, इंडिया गेट पर फहराएंगे, सब जगह परेड, किसानों की परेड भी होगी। जो परेड हो रही है उस परेड में किसान भी शामिल होंगे। वहाँ टैंकर चलेंगे, टैंकर चलेंगे, वहाँ ट्रैक्टर भी चलेंगे। ट्रैक्टरों की परेड अभी हो रही है, हमारे ट्रैक्टरों की तैयारी हो रही है। गांव गांव में ट्रैक्टरों की रैली हो रही है, कहीं 100 की, कहीं 50 की, कहीं 20 की, कहीं 30 की, सब जगह वो रैली रिहर्सल कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्राली, मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल जो भी मिलेगा दिल्ली में घुसेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे संबंधित है। कुछ राजस्थान के नेता कह रहे हैं कि राजाराम जी या कुछ नेता हैं जो कि शाम को आते हैं, सुबह आते हैं दो लोगों के साथ, शाम को होटलों में जाके ठहरते हैं, सोते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं। कोई किसान नेता नहीं है, कोई उनके पीछे लोग नहीं है। कौन कहता ये बात? वो कहने वाली बात को छोड़ दो, जो कह रहे हैं उनके जाके अभी टेंट संभाले हो ना, उनके क्या बैठा है वहाँ? टेंट खाली है, कोई आदमी है, कोई गाड़ी भी खड़ी है क्या? हमारे को कोई नहीं कहे, हमारे को शिक्षा नहीं दे। मैं पिछले 21 साल से जाट समाज का अध्यक्ष हूँ। मैंने जाट समाज को आरक्षण दिलाया था, उसकी वजह से आज ऑल इंडिया के अंदर जाट समाज के लोग आरक्षण की वजह से नौकरी कर रहे हैं। और 21 साल से जयपुर के अंदर एक ही संस्था है जो ऑफिस चलाती है, 24 घंटे खुला रहता है, रहने की, खाने की, पीने की, ठहरने की जगह देते हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो चला के दिखा देना, देख लेना करके। आरक्षण अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ पिछले 15 साल से। 36 लोगों में आती है SC ST OBC सब आते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है, ये कहने वाले के खाली हो गए ना टेंट, फालतू करेगा। यहाँ से गिनती चालू कर लो, आप यहाँ से मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, छोड़ने के बाद यहाँ से देखना कितनी तो गाड़ियाँ खड़ी है, जाट महासभा की, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, ठेठ तक देखते जाना पुलिया तक। ऐसा नहीं है, कहना बड़ा आसान है, करने में जोर आता है। मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे घर का सब कुछ छोड़ करके समाज के लिए कर रहा हूँ, सब समाजों के, 36 कौमों के लिए कर रहा हूँ, सबके साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे पास 22वां दिन है, मैं जिस दिन जाया हूँ यहाँ बैठा हूँ। लोग आते हैं जाते हैं, मेरे को कहीं नहीं जाना। ये 3 काले कानून कैंसिल हो गए, उसी दिन जाऊँगा, यहीं रहूँगा, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, बैक नहीं करेंगे, आगे जाएंगे, जाना है आगे। ये बैरियर जिस दिन तोड़ने होंगे, हमने इंतजाम कर लिया, हमने वो मंगा ली JCB बड़ी वाली, जो ये पत्थर पुत्र सारे साइडों में हटाती जाती है। कोई अड़कांस नहीं आएगा, बोल तो ये हटा देंगे, हमारे ही छोरे नहीं हटाएंगे तो हम हटवा देंगे। दिल्ली पहुंच कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली पहुंच के रहेंगे। ये तीनों कानून हटा देंगे, कानून नहीं हटेगी तो सरकार हटा देंगे, ये निश्चित है। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान के मजदूर आज मिल करके एक हो गए हैं। 70% लोग नहीं, 90% लोग एक हैं। इसको आगे नहीं चलने देंगे। वोट की ऐसी चोट मारी है, मारेंगे ये जिंदगी में याद रखेंगे। आने वाले समय में लोग कहें करेंगे कि BJP कोई पार्टी हुआ करती थी, ये बोलेंगे लोग। ये समय आने वाला है, देखना आप। ये थे हमारे साथ राजाराम जी, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया किस तरीके से आने वाले समय में कूच करेंगे। लगातार शाहजहांपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। कैमरामैन श्री राम के साथ सागर चौधरी, शाहजहांपुर बॉर्डर।